एचईसी कर्मियों ने गुरुवार को बकाये वेतन की मांग और लाठीचार्ज के विरोध में काम बंद कर दिया है। कर्मियों ने प्रोजेक्ट भवन जाने वाले सड़क को भी जाम कर दिया है। रास्ता बंद करने की वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। एचईसी कर्मियों के प्लांट बंद रखने के आह्वान को लेकर मुख्यालय में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस कर्मियों को समझा रही है और सड़क से हटने को कह रही है। देखिए, हम लोग को मेन मामला हम लोग का है कि हम मजदूर भाइयों का, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, ऑफिसर हो, वर्कर हो, हमारा 19 महीना का हम मजदूर भाइयों का तनख्वाह नहीं मिला है। हम लोग बोलते बोलते थक गए मैनेजमेंट को, लेकिन आज तक हमारे ऊपर में कोई कान में जू तक नहीं देगा। अकल हम लोग मजदूर सिंपल सा बात करने गए तो हमारे मजदूर पे सीआईएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज करवाया, जिसका विरोध और हम लोग के तनख्वाह और हमारे जो सीआईएसएफ जो हमारे मजदूर पे लाठीचार्ज किए हैं। सबसे बड़ी मांग है हमारी कि सीआईएसएफ को तुरंत सस्पेंड किया जाए, अभी के अभी, नहीं तो हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे। सीआईएसएफ की औकात नहीं थी, उनकी हक भी नहीं है कि वो मजदूर पे लाठीचार्ज करे, अन्यथा आप लाठीचार्ज करें या हम लोग को गोली मारे, हम लोग यहाँ से नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह। अरे, हम लोग कल वार्ता कर रहे थे डायरेक्टर फाइनेंस से, हुआ यह कि हम लोग उनसे बात करने का बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपना हट बुद्धि में हम लोग से बात नहीं किया, जिस कारण से इतना बड़ा बखेड़ा हो गया। और उसी बीच हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें लाठीचार्ज करा दिया गया, जिसमें हमारा हाथ पूरा खून खून हो गया था, शीशा घुस गया था, और हम लोग सब कम से कम 5 जन पे पूरा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।